हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सिविल इंजीनियर अभिषेक तिवारी। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाटरप्रूफिंग। वाटरप्रूफिंग क्यों करते हैं, ठीक है, क्या होता है वाटरप्रूफ और कहाँ करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी साइट चल रही है, ठीक है, दुबई में। तो यहीं पे एक आपको दिखाते हैं, ठीक है, वाटरप्रूफिंग कहाँ हुआ है, ठीक है, और वाटरप्रूफिंग होने के बाद क्या करना चाहिए इसके बारे में बताते हैं आपको। साइट पे ले चलते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, आपके यहाँ पर वाटरप्रूफ हो रखा है, ये वॉल का भी हो रखा है जहाँ पे हमारा टाइल्स आएंगी, ठीक है। ये हमारा जो रूम है, ये आपका ये हमारा बाथरूम है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर वाटरप्रूफ किया गया। वाटरप्रूफ करने के बाद, वाटरप्रूफ में क्या होता है कि सीमेंट का, जैसे कि ये जो वॉल है, वॉल के ऊपर सीमेंट का घोल है और एक केमिकल है, ठीक है। तो दोनों को मिक्स करके उसके ऊपर, उसके बाद इसको जो है स्प्रे किया गया है, छिड़काव किया गया है आपका, ठीक है। और स्प्रे का मतलब केवल ऐसे नॉर्मली स्प्रे नहीं, काफ़ी अच्छे तरीके से, ताकि आपका कोई भी ऐसी जगह ना रह जाए जहाँ पे आपका ये लगे रहा, ठीक है। चारों तरफ से अच्छे से स्प्रे कर देते हैं। डाउन पुश आपका, आपका जो बेस होता है फ्रेंड्स, जो बेस होता है ना, तो बेस पर आपका वाटरप्रूफिंग में केवल घोल, सीमेंट का घोल और केमिकल यूज नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं, जीरा रोड़ी एक होता है, ठीक है, जो कि जिसका साइज एग्रीगेट होता है, जिसकी साइज 10 mm से कम होता है, ठीक है, उसको जीरा रोड़ी बोलते हैं अपने इंडिया में। उसका आपका 50 mm थिकनेस में कंक्रीटिंग करते हैं, ठीक है, और मेस जाली लगाकर, जाली पहले फैलाते हैं, जाली बिछाने के बाद उसकी कंक्रीटिंग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके थ्रू भी, और फिर इसमें केमिकल मिलाया जाता है, और उसके बाद से उसी में आपका वाटरप्रूफ केमिकल मिला देते हैं, फिर हो जाता है आपका कंक्रीट कर दें, तो वो आपका वाटरप्रूफिंग हो जाता है आपका। कई जगहों पर देखा होगा फ्रेंड्स कि मैस्केट एक यूज किया जाता है। मैस्केट एक 5 mm थिकनेस का एक मटेरियल होता है, ठीक है, उसको करते हैं, उसको हीट करके आपका वॉल के साथ हो या फिर आपका फ्लोर के साथ हो, उसको कनेक्ट कराते हैं, ठीक है। उसके बारे में, उसके वर्किंग वीडियो आपको दिखाएंगे हमारे, जैसे कि यहाँ पर चैम्बर जो बन रहा है, जैसे कि फ्रेंड्स ये आपका चैम्बर है। चैम्बर में इसमें क्या होता है, मैस्केट आपका यूज किया गया है वाटरप्रूफिंग के लिए, ठीक है। चार तरफ राउंड शेप में करके और इसको हीट करके चिपका दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, एक मटेरियल होता है, ठीक है, जो 5 mm की थिकनेस में होता है, ठीक है, उसे कवर करके इसको चिपकाते हैं, उसको वो वाटरप्रूफिंग होता है, ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी यूजफुल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर कौन सा पॉन्ड, यहाँ पर जो क्यूरिंग किया गया, ये हमारा मेथड कहलाता है पॉन्डिंग का, ठीक है। आप हमारी चैनल पर विजिट कर सकते हैं, हमारे चैनल में एक टाइप्स ऑफ क्यूरिंग के बारे में बता रखा हूँ, ठीक है, क्या कितने टाइप्स की क्यूरिंग होती है। तो स्प्रेइंग होता है आपका, ठीक है, वेट कवरिंग होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और स्टीम होता है, फिर बॉन्डिंग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मोस्टली जो स्लैब होती है, स्लैब के लिए आपका जो है पॉन्डिंग क्यूरिंग ही यूज किया जाता है, क्योंकि स्लैब के लिए काफ़ी मजबूती चाहिए होता है। बाकी कॉलम हुआ, बीम, कॉलम हुआ, बीम हुआ, उसके लिए आपका वेट कवरिंग यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ जो सीमेंट हमारा यूज हो रहा है, वो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, OPC, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ऊपर हमारा डक्ट का सारा काम हो रखा है, ठीक है। इसमें से हमारी AC के पाइप लाइन्स हैं, फिर गैस की पाइप लाइन्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स, गैस की पाइप लाइन्स हैं,
फिर आपका पानी का है, बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।